सराफा स्वर्णकार कारीगर संघ के चुनाव का आयोजन मंगलवार को दमोह में किया गया। यहां पर वोटिंग करके सराफा स्वर्णकार कारीगर संघ दमोह के अध्यक्ष पद के लिए कई लोग मैदान में थे और उसके बाद निर्विघ्न यहां पर चुनाव संपन्न किया गया। चुनाव के बाद परिणामों की घोषणा की गई। परिणामों की घोषणा के बाद जिसे अध्यक्ष चुना गया उसको सभी के द्वारा शुभकामनाएं भी दी गईं। हम आपको इस चुनाव में 350 मतदाता थे और 5 प्रत्याशी खड़े हुए थे जिनमें से अरुण सोनी विजय हुए हैं। और ये कारीगरों की अपनी समस्याओं को लेकर ये संगठन बनाया गया था, क्योंकि इसका सराफा संघ से कोई मतभेद नहीं था और सामंजस्य के हेतु अपनी सुविधाओं के हेतु ये संगठन नया बनाया गया था जिसमें अरुण सोनी प्रत्याशी विजय हुए। मजो लघु सराफा स्वर्णकार कारीगर संघ के विधिवत मतदान प्रक्रिया से अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, जिसमें मनीष सोनी बबलू भैया, दुर्गेश सोनी छल्ला वाले, नील श्याम सोनी, श्री अरुण सोनी और सोनू माल गुजारी, ऐसे 5 लोग इस चुनाव में खड़े हुए थे, जिसमें श्री अरुण सोनी
जिनको भी 80 मत प्राप्त हुए हैं और 15 मतों से विजयी हुए हैं। श्री मनीष सोनी इनको 65 मत, दुर्गेश सोनी इनको 39 मत, नील श्याम सोनी 58 मत मिले हैं, अरुण सोनी जो कि विजय हुए उनको 80 मत प्राप्त हुए हैं, सोनू मालगजा को 18 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से 260 मत टोटल डाले गए हैं, जिसमें अरुण सोनी जो कि 15 मतों से आज विजयी घोषित किए गए हैं। उसको संपूर्णता सही तरीके से चलाना चाहेंगे, उसमें सभी का सहयोग है, किसी एक का नहीं है। जो भी कुछ हुआ है सभी के सहयोग से हुआ है, सबने पूरा साथ दिया है और उसके आगे मुन्ना भैया, राजेश भैया हुआ है।